हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो के अंदर जी मैं आपको बताने वाला हूं तीन ऐसे तरीके जिसके साथ आप अभी भी इंडिया से कनाडा ट्रैवल कर सकते हो। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो के अंदर देखा होगा कि कनाडा ने इंडिया से आने वाली सारी डायरेक्ट फ्लाइटों को बैन कर दिया है। तो जो मेरे एयर इंडिया और एयर कनाडा वाले फ्रेंड्स हैं भाई, उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो मे भी हो जाएगी अगर आपकी अप्रैल 22 से मई 22 के बीच में लाए करती है रेंज। अगर तो मई 22 से आगे की आपकी डेट है फ्लाइट की, तो अभी वो कैंसिल नहीं होगी क्योंकि 30 डेज का ये बैन लगा हुआ है। कनाडा गवर्नमेंट असेस करेगी कि भाई अगर ये बैन सक्सेसफुल होता है और इंडिया के केसेस जो है कम हो जाते हैं, कनाडा के भी केसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो वो बैन को अपलिफ्ट कर देंगे, नहीं तो ये एक्सटेंड भी हो सकता है। बट जी, इन्होंने एक लूप होल दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि बेसिकली जी जो लेओवर वाली फ्लाइट्स होती है, जो इनडायरेक्ट फ्लाइट्स होती है, उसके थ्रू आप अभी भी ट्रैवल कर सकते हो। तो उसको यूटिलाइज करके मैंने तीन ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिसके साथ आप आ सकते हो। तो जी, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन होने वाली है अगर तो आप कनाडा आना चाहते हो अभी भी, एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो जी, मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं रेगुलर लेके आता रहता हूं। तो जी, सबसे पहले हम रूल के ऊपर आते हैं कि इसका रूल क्या कहता है। तो जी, इसके अंदर जैसे कि आप चेक कर सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, इधर लिखा हुआ है कि कोई भी पैसेंजर अगर इनडायरेक्ट रूट से आता है तो जिस कनेक्टिंग कंट्री के थ्रू वो आता है, उस कनेक्टिंग कंट्री का भी उसको COVID-19 का रिपोर्ट, RT-PCR जो टेस्ट होता है, वो लेके आना पड़ेगा, जो मॉलिकुलर टेस्ट भी बोलता है। बट जी, इसके अंदर बहुत ही तरीके से आपको काम करना है। ये नहीं सोचना कि भाई अगर आपकी लेओवर वाली फ्लाइट है तो भाई 2 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये केस नहीं होता है। आपको भी पता है कि अगर कनाडा गवर्नमेंट 3 डे होटल क्वारंटीन करती है तो दूसरी कंट्रीज भी होटल क्वारंटीन करवाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी जिन लोगों की कैंसिलेशन हुई है, जो एयर इंडिया और एयर कनाडा वाले, मैं स्क्रीन के ऊपर बता रहा हूँगा कि एयर इंडिया और एयर कनाडा दोनों ने बोला है कि वो रिफंड कर देंगे पैसे। तो मेक श्योर कि आप अवेल कर ले एंड अपने पैसे रिफंड ले ले। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था भाई, बहुत ही अकोमोडेटिंग होगी कंपनीज भी, क्योंकि उनको पता है ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है एंड लोगों को पैसे की ज़रूरत होगी, तो उनके पैसे वो रिफंड कर रहे हैं। तो जी, काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई जर्मनी के थ्रू हम आ सकते हैं या नहीं। तो जी, आज की वीडियो के अंदर मैं जर्मनी का ही एनालिसिस करने वाला हूँ। काफ़ी जो कंट्रीज़ है, फॉर एग्जाम्पल UK ने बैन कर दिया है इंडिया की फ़्लाइट्स, है ना, दुबई की और UAE की भी मैंने सुना है कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है या बैन हो गई है, क्योंकि जी इंडिया के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। बट जर्मनी ने अभी तक तो कोई बैन नहीं लगाया है, तो जर्मनी इज़ अ वायबल ऑप्शन। बट जी, अब जर्मनी के ऊपर RT-PCR टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा, तो उसका एनालिसिस हम करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जैसे कि आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो टेस्टिंग सेंटर है जर्मनी के अंदर, वो ट्रांजिट एरिया से बाहर है, सो यू विल नीड टू हैव द नेसेसरी वीज़ा। इसका मतलब है जी, एयरपोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा टेस्ट करवाने के लिए, तो उसके लिए आपके पास ट्रांजिट वीज़ा होना चाहिए या यूरोपियन वीज़ा या शेंजन वीज़ा जो बोलते हैं, वो होना चाहिए, तभी आप बाहर निकल सकते हो। उसके अलावा जी, यहाँ की जो टाइमिंग है RT-PCR की, वो देखो 6 AM से 8 PM मंडे टू संडे। तो अगर आप इसके बाहर आते हो तो आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा। एंड ये भी आपको ध्यान रखना कि ये वर्किंग टाइम है, तो अगर आप 8 PM को देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4 घंटे के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। सुबह तक आपको वेट करनी पड़ेगी, जब वो टेस्ट करेंगे उसके बाद ही वो रिजल्ट दे पाएंगे। तो 1 से 2 दिन तो लगने ही वाले हैं अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट के थ्रू आते हो। उसके अलावा जी, कॉस्ट भी लगेगी। अब ये तो नहीं है कि आप कनेक्टिंग कंट्री के अंदर जाओगे और टेस्ट करवाओगे तो आपके पैसे नहीं लगेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप टेस्ट का रेट देख सकते हो, मैंने लगा के रखा हुआ है कि जी प्रीमियम RT-PCR जो टेस्ट है वो 69 यूरोस का है, अगेन 69 यूरोस। एंड अगर आपको फास्ट वाला चाहिए, जो 1 आवर वाला होता है, 1 आवर वाला जो टेस्ट है वो देखो 249 यूरोस का है। 249 यूरोस भाई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 6 आवर्स वाला जो है उसके अंदर $139 लग रहे हैं। आपको अब ये एनालाइज करना है कि इज इट वर्थ इट आपको इतने पैसे लगा के आना, क्योंकि आपकी जो फ्लाइट कराओगे वो भी एक्सपेंसिव होगी, आप यहाँ पे प्रॉब्ली 1 दिन रुकना भी पड़ेगा। सो आपको अब एनालाइज करना है कि वेदर इट इज़ वर्थ इट और नॉट। एंड इसके अंदर जी ट्रांजिट वीज़ा भी चाहिए होगा, तो आपके ऊपर है डिसीजन। ये था फर्स्ट वे, जो कि था कनेक्टिंग कंट्री जिसके अंदर ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है। अब काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई नेपाल के थ्रू भी तो हम जा सकते हैं, क्योंकि नेपाल के लिए आपको इन यूजुअल टाइम्स वीज़ा नहीं चाहिए होता। बट जी, आप ये बोल रहे हो कि ये COVID-19 का टाइम चल रहा है, तो जी नेपाल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रूल्स को चेंज किया हुआ है।
जैसे कि आप चेक कर सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, इधर लिखा हुआ है जी कि ऑल टूरिस्ट मस्ट फर्स्ट अप्लाई फॉर अ वीजा फ्रॉम अ नेपलीज एम्बेसी मिशन और कॉन्सुलेट इन देयर कंट्री बिफोर ट्रेवलिंग। सोची नेपाल एम्बेसी के थ्रू आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी कि आप नेपाल जा सकते हो या नहीं, एंड वहाँ पे भी आपको RT-PCR टेस्ट करवा के ही जाना पड़ेगा। एंड वहाँ पे बोला हुआ है कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी चाहिए होगी, $5,000 तक की आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी, एज वेल एज जी वहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन नेपाल देन द गवर्नमेंट हैज़ एडवाइस दैट यू कैरी प्रूफ ऑफ योर नेगेटिव PCR टेस्ट एंड प्रूफ ऑफ एटलीस्ट 7-day अकोमोडेशन विद यू एट ऑल टाइम्स। तो जी 7 days की वो अकोमोडेशन मांग रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको कैनेडा आने की कितनी ज़्यादा तलब है कि वो आप पहले नेपाल जाओगे, वहाँ पे टेस्ट करवाओगे, नेपाल के थ्रू वहाँ पे अपनी क्वारंटीन ख़त्म करोगे 7 days की, फिर नेपाल से कैनेडा जाओगे, कैनेडा में 14 days की क्वारंटीन करोगे। भाई इट इज़ नॉट वर्थ इट, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। काफ़ी लोग, काफ़ी जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो बोल रहे कि आप आ सकते हो, ऐसे आ तो सकते हो, बट वो ये सब नहीं बताते कि आने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी जो कि वर्थ इट नहीं है। आपने 2 तरीके देख लिए, पहला वाला जर्मनी, उसके अंदर भी बहुत पैसे लग रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत पैसे लगने वाले हैं। अब थर्ड तरीका जो है, जो थोड़ा सा सेंसिबल है, वो है जी USA के थ्रू। तो USA के थ्रू भी अगर आपके पास US का वीज़ा है या ट्रांजिट वीज़ा है देन तो बहुत ही बढ़िया है। फिर US से आप आइदर फ्लाई करके जा सकते हो, फ्लाई करने के लिए जी आपको RT-PCR टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा वहाँ पे, एंड 14 days की क्वारंटीन भी करवानी पड़ेगी कैनेडा के अंदर। बट जी आप जो 3-day होटल क्वारंटीन है स्पेसिफिक, उसको आप कम कर सकते हो अगर आप US के थ्रू जाते हो, क्योंकि जी US के अगर आप बॉर्डर के थ्रू जाते हो तो आपको सिर्फ 14 डेज की होम क्वारंटीन करनी पड़ती है, आपको 3-day होटल क्वारंटीन नहीं करनी पड़ती अगर आप रोड के थ्रू जाते हो। जो भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कैनेडा लैंड बॉर्डर के थ्रू जाते हो तो आपके पास ही क्वारंटीन प्लान, COVID-19 टेस्ट है ना, वो सारी चीज़ें, अराइव कैन वगैरह तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको 8-day का जो बेसिकली 10-day का टेस्टिंग किट होता है, यहाँ पे 8-day का होता है, बट आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको 3-day का होटल क्वारंटीन चाहिए। 3-day होटल क्वारंटीन जो सिर्फ फ्लाई करके आते हैं उन्हीं को चाहिए होता है। वो इसलिए जी रीजनिंग ये है कि जो एयरपोर्ट के थ्रू आते हैं वो काफ़ी लोग एक साथ पैक होके आते हैं डिफरेंट हाउस होल्ड के, बट जो गाड़ी से आते हैं या जो अपनी खुद का व्हीकल लेके आते हैं वो तो अपने खुद के हाउस होल्ड के अंदर ही होते हैं, तो उनको होटल क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑन अराइवल टेस्ट करके घर जा सकते हैं, घर पे ही क्वारंटीन कर सकते हैं। अभी इन कनेक्टिंग कंट्रीज़ ने फ्लाइट्स बैन नहीं किए इंडिया से, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो बाद में कर सकते हैं, सो आपके पैसे वहाँ पे भी अटक सकते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वेट करो जी एटलीस्ट मे एंड का या जून मिड तक का, ताकि जी आपको आइडिया हो सके कि क्या क्या COVID-19 की सिचुएशन है इंडिया के अंदर एज वेल एज कैनेडा के अंदर, क्योंकि कैनेडा को तो लोग चाहिए ही है, उनको लोगों की कमी है यहाँ पे, तभी उन्होंने इतना ज़्यादा इमिग्रेशन के ऊपर फोकस किया है इस साल। थोड़ा सा जब केसेस कम हो जाएंगे इंडिया के अंदर डेफिनेटली वो बैन को हटा देंगे। अगर अभी आप ऐसे आओगे, एक तो फर्स्ट टाइम आप फ्लाई कर रहे होगे, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का इतना मालूम नहीं है, एंड कभी भी चांसेस है कि वो सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती है, तो इतना स्ट्रेस लेने का आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ। एंड यहाँ पे आओगे बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनाइजेशन होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कनाडा गवर्नमेंट ने करके रखी हुई है, सो मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट वर्थ। अगर आप इन 3 countries के थ्रू नहीं आते, किसी और कंट्री के थ्रू आते हो, तो आपको उसके भी रूल्स चेक करने हैं। एंड जी मेक श्योर कि आपको चेक करना है कि आपको ट्रांजिट वीज़ा तो नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली कंट्रीज जो COVID-19 के टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं वो एयरपोर्ट से थोड़ा सा बाहर होते हैं, या इमिग्रेशन कंप्लीट करके आप एयरपोर्ट के दूसरे सेक्शन के ऊपर जाना होता है, तो वो आपको मेक श्योर करना है। वेबसाइट्स के ऊपर यूजुअली प्रोवाइडेड होती है इन्फॉर्मेशन, एंड जी क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी आपको फॉलो करने हैं दूसरी कंट्री के, क्योंकि वो ये तो नहीं बोलेंगे कि ठीक है आपने अगर टेस्ट दे दिया तो आप लॉन्च में बैठ जाओ, वो ऑब्वियसली आपको क्वारंटीन करने के लिए बोलेंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो जी सेम केस जो कैनेडा कर रहा है वो दूसरी कंट्रीज भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के देखें। जो सारी डिटेल्स थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, अब आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जी मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपको सबसे बढ़िया तरीका कौन सा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।